सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक और फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी सुजलोन एनर्जी को लेकर। सुजलोन एनर्जी में भले ही आज इधर हमें 1% के आसपास गिरावट जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन अभी अभी एक और बड़ी खुशखबरी आते हुए नजर आई है। और इस गिरावट के पीछे का रीजन क्या है, अभी क्या है, इस खबर के बाद स्टॉक में फिर से रैली बन सकती है। आपने देखा होगा अभी एक दो दिन पहले कंपनी के अंदर एक बड़ी खुशखबरी आई थी, 2700 करोड़ के आसपास का कंपनी को लगभग 551 मेगावाट का, जहाँ पर कंपनी 3 मेगावाट विंड जो सीरीज कैपेसिटी सीरीज वाली जो 175 टर्बाइन्स है वो लगाने जा रही है। और ये आदित्य बिरला ग्रुप से कंपनी को ऑर्डर मिला था। अभी इससे पहले इस कंपनी को जूनिपर ग्रीन से, या जूनिपर ग्रीन से आप लोग देखोगे, एक बड़ा ऑर्डर मिला था लगभग 402 मेगावाट के आसपास का। तो 402 मेगावाट का पहले मिल गया, ठीक है, 551 मेगावाट का अभी एक दो दिन पहले मिला था कंपनी को। तो ये दो ऑर्डर कंपनी को जबरदस्त मिले थे। उसके बाद एक और बड़ी खबर आज के दिन आते हुए नजर आई है, आज भी कंपनी को एक और बड़ा ऑर्डर मिल चुका है। चलिए उस ऑर्डर के बारे में डिटेल जानकारी आपको देते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे इसके आगे के कैसे हो सकते हैं लेवल वगैरह। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे भी कंपनी ने अभी अभी ये नोटिस पब्लिश किया है, और इस नोटिस के माध्यम से कंपनी ने बता दिया है कि इसको एक और बड़ा ऑर्डर मिल चुका है। और ये ऑर्डर किससे मिला, किसी ने, यहाँ पर आप लोग देखोगे लगभग 3 मेगावाट सीरीज वाली जो ना भी कंपनी, यहाँ पर भी यही विंड सीरीज लगाएगी, विंड टर्बाइन जो है, और लगभग 81.9 मेगावाट का जो ना भी ऑर्डर कंपनी को मिला है, 18.9 मेगावाट का, जो कि आप लोगों को मिला भी ऑस्ट्रग्रीन हाइब्रिड वन प्राइवेट लिमिटेड से। तो ये कंपनी को ऑर्डर मिला, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, अभी पॉजिटिव ऑर्डर, सॉरी पॉजिटिव बात है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी 3.15 मेगावाट की जो विंड टर्बाइन सीरीज वाले जो रेटेड वाले इसके टर्बाइन है ना, वो 26 यहाँ पर कंपनी इंस्टॉल करेगी, और टोटल जो इसकी कैपेसिटी रहने वाली है वो 81.9 मेगावाट की रहेगी भाई, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी बहुत डिटेल जानकारी आपको इसकी मिल जाएगी, मध्य प्रदेश के अंदर, अगर इन मध्य प्रदेश में वहाँ पर ये प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। तो ये कंपनी की तरफ से अपडेट आई आप लोग देख, पिछले 3 ऑर्डर्स में, ठीक है, पिछले 3 यानी कि इस मई मंथ में कंपनी को 3 ऑर्डर मिले हैं। और तीनों ऑर्डर को अगर आप लोग देखोगे ऐड करके, तो पहला ऑर्डर था भी 402 मेगावाट का, जो कि कंपनी को मिला था जूनिपर ग्रीन से। फिर 551 मेगावाट का आप लोग देखोगे अभी परसों के दिन मिला था, और ये आप लोग देखो लगभग 82 मेगावाट के आसपास का। तो टोटल ऑर्डर आप लोग देखोगे 1000 मेगावाट प्लस के इसने ऐड कर लिए सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, तो इसलिए स्टॉक में अभी लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसके जो ऑर्डर बुक थी क्वार्टर रिजल्ट के एंड तक, यानी मार्च के एंड तक, वो लगभग आप लोग 3.3 गीगावाट की, यानी कि 3300 मेगावाट के आसपास की थी। और 1000 मेगावाट इसने ऐड कर लिया, 4000 प्लस या 4000 मेगावाट प्लस की इसकी ऑर्डर बुक ऑलरेडी हो चुकी है, और ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक हमें आगे भी देखने को मिलती रहेगी। अभी तो शुरुआत अभी ऑर्डर्स की, ये और भी मिलेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं चार्ट इसका। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा अभी जब कंपनी को पीछे ही ऑर्डर मिला था, उसके बाद स्टॉक में सर्किट लगा, लेकिन वो तेजी सस्टेन नहीं कर पाया भाई। था ना 46 रुपये 15 पैसे का लेवल, अगर लेवल ब्रेक करके सस्टेन कर पाता तो स्टॉक ऊपर में 47-80, 50-80 ये लेवल हमें दिखा पाता, लेकिन स्टॉक डट नहीं रहा है। बिकॉज 4 जून को जो इलेक्शन रिजल्ट आ रहे हैं, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हमें मार्केट के ऊपर देखने को मिल रहा है अभी के टाइम, ठीक है। हालांकि बीजेपी की तरफ से बोला जा रहा है कि हम आ रहे हैं सत्ता में, और अच्छे नंबर्स के साथ सत्ता में हम जो अब के बार आ रहे हैं, और उससे जो ना अभी 4 जून के बाद मार्केट इस प्रकार से भागेगा, इस प्रकार से शूटअप करेगा, किसी ने सोची भी नहीं हो। कल निर्मला सीतारमण जी उनका बयान भी आया, उससे पहले ऑलरेडी जो ना भी एक बार पहले बयान दे चुके हैं मार्केट को लेकर ये, और उससे पहले जो ना मोदी जी और अमित शाह जी के भी बयान आए हैं, जयशंकर जी जो है उनके भी बयान आए हैं। तो ये आप लोग देखो कि मार्केट को लेकर बिल्कुल बुलिश है। और अभी टाइम 4 जून भी देखो, इलेक्शन रिजल्ट का किसी को नहीं पता कैसे क्या आएंगे, तो इसलिए 4 जून का वेट कर रहे हैं सभी के सभी। तो इसलिए 4 जून के बाद पैसा लगाना सही रहेगा, अगर एक लॉन्ग टर्म निवेशक को भी तीन चार साल के लिए होल्ड करना है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी गिरावट में और खरीदारी हो जाएगी, लॉन्ग टर्म के लिए चल सकते हो। इसके अलावा नीचे में सपोर्ट रहेगा भाई 43.55 रुपये, और दूसरा रहेगा 40 रुपये, और ऊपर में रेजिस्टेंस 40-15 का ब्रेक होकर सस्टेन किया तो ऊपर में आप लोग 50-80 तक के टारगेट आने की संभावना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।